ऑपरेशन को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, सकुशल बाहर निकल चुके हैं। एम्बुलेंस से अधिकारियों को अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं, लिफ्ट में 14 अधिकारी फंसे थे और इस हादसे को लेकर रेस्क्यू जारी था। और अब आपको बता दें कि रेस्क्यू सफलतापूर्वक हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं, सभी अधिकारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। एम्बुलेंस की मदद से अधिकारियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। देखिए 14 लोग यहाँ पर फंसे थे और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बाहर उनको निकाल लिया गया, सकुशल बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद फर्स्ट एड मुहैया करा के अब उन्हें भेजा जा रहा है अस्पताल, जहां पर उनका उपचार जारी रहेगा। तो सभी जो लोग हैं उनको यहाँ पर निकाल लिया गया है, बाकी आधा घंटे के अंदर बाकी सभी लोग बाहर आ जाएंगे। सभी सुरक्षित हैं, सभी सेफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर में सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, सभी की छोटे मोटे फ्रैक्चर हैं, तो थोड़ी देर में सारे पेयर लोग बाहर आ जाएंगे। अभी अभी इनको जयपुर रेफर किया गया है, जहाँ पे इनके ऑपरेट होना है, फ्रैक्चर है उनमें सब में। तो देखिए आपको जानकारी यहाँ पे दे दे कि कुछ लोग हैं जिनके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है, तो उनको पहले ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जयपुर की तरफ रेफर किया जाएगा। तो ये अपडेट यहाँ पर मिला है। और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर सफलता मिली है, लिफ्ट में 14 अधिकारी यहाँ पर फंसे थे और कुछ ही देर के अंदर देखिए जयपुर उनको रेफर कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर कामयाबी मिली है। सभी अधिकारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, अब जो है उन्हें अस्पताल भेजना है, यानी कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ्रैक्चर भी यहाँ पर हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैर में चोट लगी है, ऐसे में उनके उपचार के लिए, उनके इलाज के लिए उन्हें फर्स्ट एड के बाद जयपुर रेफर किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट उस वक्त आपको दे रहे हैं, इस पूरे हादसे के अंदर 14 लोग फंसे थे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खदान में यह हादसा हुआ था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया था। और अब सुखद तस्वीरें और सुखद खबर यहाँ से मिल रही है कि तमाम जो अधिकारी थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, अब उन्हें जयपुर की तरफ रेफर किया जा रहा है। तो खेतड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर सफलता मिली, सभी अधिकारियों को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाला गया, लिफ्ट में 14 अधिकारी फंसे थे, एम्बुलेंस की मदद से अधिकारियों को अस्पताल भेजा जा रहा है, उन्हें जयपुर रेफर किया जा रहा है। 14 लोग हैं इसके अंदर और देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैर में चोट लगी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसे में उन्हें ऑपरेट करने के लिए जयपुर की तरफ रेफर किया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर है और सुखद तस्वीर अभी यहाँ से मिल रही है, क्योंकि इस ऑपरेशन को सकुशल पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि लिफ्ट की चेन टूटने से पूरा हादसा हुआ था और इस पूरे हादसे के अंदर 14 लोग फंस गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया था और सभी अधिकारियों को अब सकुशल बाहर निकाल लिया गया। खेतड़ी की कॉपर खदान में हादसा हुआ, लिफ्ट की चेन टूटने से बड़ा हादसा, सभी 14 लोग जो है सुरक्षित है, बाहर उनको निकाल लिया गया है। देखिए कुछ लोगों के पैर में फ्रैक्चर आया है, उनको ऑपरेट किया जाना है, ऐसे में जयपुर की तरफ रेफर किया जा रहा है। 14 लोग यहां पर फंसे थे, लिफ्ट की चेन टूटने से बड़ा हादसा हुआ था। और अब बड़ा अपडेट आपको देते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खदान में हुए हादसे को लेकर कि रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है, 14 अधिकारियों को बाहर निकाल लिया गया, जयपुर की तरफ रेफर किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें मामूली चोट आई है, कुछ लोगों को फ्रैक्चर भी यहां पर हुआ है और उन सभी के इलाज के लिए उन्हें जयपुर रेफर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट एड उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खदान में हुए इस हादसे को लेकर जानकारी आपको दे दें कि लिफ्ट की चेन टूटने से पूरा हादसा हुआ था, तमाम अधिकारी जो थे वो इसके अंदर फंस गए थे, तकरीबन 14 लोग इसके अंदर फंसे थे और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया था और अब रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिल चुकी है, सभी अधिकारियों को बाहर निकाल लिया गया, फिलहाल उन्हें फर्स्ट एड मुहैया कराया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जयपुर की तरफ रेफर किया जाएगा, जहां पर उनका इलाज जारी रहेगा। बड़ा अपडेट इस वक्त का, रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ और देखिए सकुशल तमाम जो अधिकारी है उनको निकाल लिया गया है, फर्स्ट एड के बाद उन्हें जयपुर किया जाएगा रेफर।